नंबर 1 देखते हैं और एक्सरसाइज आपका 17.4 कह रहा है कि यदि किसी चर बिंदु P का नियामक, देखिए यहाँ cos थीटा प्लस साइन थीटा और कॉमा साइन थीटा माइनस cos थीटा है, जहाँ थीटा आपका चर राशि है, थीटा क्या है चर राशि है, यानी कि आपको ऐसा समीकरण लाना होगा जिसमें थीटा गायब कर देना होगा, चर को नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो P का बिंदु पथ निकालना है, तो मान लीजिए माना बिंदु P का निर्देशांक आपका क्या है x, y, ठीक है। हम P का निर्देशांक क्या मान लेते हैं x, y मान लेते हैं, यानी कि यहाँ x का मान दिया है आपके पास cos थीटा प्लस sin थीटा और y का मान दिया है यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा। अब देखिए अगर आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको वर्क करके जोड़ना ही है, आप वर्क करके घटा भी सकते हैं, लेकिन वर्क करके घटाइएगा तो यहाँ से थीटा गायब नहीं होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ वर्क करके जोड़ेंगे। तो समीकरण एक तरह जान लीजिए कि आपको चर को गायब करना हो, अब यहां वर्क करके जोड़ने पे आ रहा है तो जोड़ लेंगे, वर्क करके घटाने पे आएगा तो घटा लेंगे। समीकरण एक तथा दो को वर्ग करके जोड़ने पर चलिए वर्ग करके जोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको तोड़िए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा साइन थीटा, इसका करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये दोनों तो कट जाएगा ना, सेम ही तो है, इसका वैल्यू वन इसका वैल्यू वन, तो वन वन टू हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में टू आपका पी का बिंदु पथ आ गया। चलिए क्वेश्चन